नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी के पकोड़े, जो बहुत ही ईजी है और जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे बनाते हैं उसको दिखाते हैं दोस्तों। फूल गोभी को हमने इस प्रकार छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। आप देखिए, ज़्यादा बड़े हमने नहीं रखे हैं ताकि ये गलने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप भी अपने फूल गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद हम लेंगे 1 कप बेसन, साथ में हमने लिया है 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, ये करंचीपन के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम बेसन का एक बैटर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फूल गोभी को इसमें डिप करके डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाकी का प्रोसेस। सबसे पहले हम इस घोल को तैयार कर लेंगे बेसन का। उसके लिए हमने 1 कप बेसन और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है, मिर्च 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चुटकी डालेंगे हम हल्दी, आप चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हम डाल रहे हैं दोस्तों बेकिंग पाउडर, दोस्तों 1 चुटकी डाल रहे हैं हम अजवाइन। दोस्तों सबसे पहले हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। एक गाढ़ा सा हम बैटर तैयार करेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, इनको लम्स ना पड़े। दोस्तों ये देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसमें फूल गोभी को मिक्स कर लेंगे। फूल गोभी को हमने ऐसे डिप करना है और इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। फूलगोभी के पकोड़े रेडी हैं। हमने इसको बीच में इसके दोबारा डीप फ्राई किया था, आप भी 2 बार में इसको फाइनल कर सकते हैं। साथ में हमने बनाई ये मिर्च, साबुत मिर्च है। तो सिंपल है, बहुत ही ईजी है बनाना, आप भी घर में ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।